एवरी वन वेलकम टू माय चैनल माय नेम इज सुगंधा शर्मा सबसे पहले सभी इंडियंस को वर्ल्ड कप जीतने के लिए कॉन्ग्रेचुलेन्स कल रात में देर तक जागी पूरा मैच देखा मैंने उसके बाद 30 40 मिनट्स हमने सेलिब्रेट भी किया एक बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग थी जो एक इंडियन होने वाली फीलिंग होती है जिसमें हम सब कभी स्टेट कभी लैंग्वेज कभी रिलीजन कभी जेंडर के नाम पर आपस में लड़ते रहते हैं लेकिन एक जो कॉमन पैट्रियोटिक फीलिंग होती है जो देशभक्ति वाली फीलिंग होती है जिसमें सब लोग मिलके सेलिब्रेट करते हैं कल रात साढ़े बारह बजे कुछ ऐसा फील हो रहा था और ये अपने आप में बहुत ब्यूटीफुल था सो कंग्रेचुलेशंस अगेन नाउ जून मंथ खत्म होने वाला है आज और कल से जुलाई स्टार्ट होने वाला है इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई मंथ में निकलने वाली टॉप सिक्स जॉब वैकेंसीज के बारे में इस वीडियो में आपको टेंथ पास के लिए ट्वेल्थ पास के लिए एंड ग्रेजुएट्स के लिए तीनों तीनों के लिए जॉब मिल जाएगी यहां पे सभी एज ब्रैकेट्स के लिए जॉब है यानी एटीन से लेकर के थर्टी टू प्लस तक अगर आप आते हैं थर्टी टू फॉर जनरल एंड एस सी एस टी ओबीसी के लिए थर्टी टू प्लस तक अगर आप आते हैं आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड सिटी से आते हैं पूरी छह जॉब वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं मैन एंड वुमेन दोनों ही पूरी छह जॉब वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे सैलरी आपको मिनिमम ट्वेल्व थाउजेंड रुपीज पर मंथ से स्टार्ट होकर एटी फाइव थाउजेंड रुपीज पर मंथ तक मिल जाएगी सब अलग अलग जॉब वैकेंसीज में है तो चलिए इन जॉब वैकेंसीज को डिस्कस करना शुरू करते हैं स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट जॉब के साथ जो है एस एस सी एम टी एस यानी स्टाफ सेलेक्शन कमीशन मल्टी टास्किंग स्टाफ दो महीने से ये वैकेंसीज अवेटेड है फाइनली एस ने इनको पब्लिश किया है अभी दो तीन दिन पहले ही इसका फॉर्म निकला है सो एस यानी स्टाफ सेलेक्शन कमीशन की तरफ से मल्टी स्टाफ एंड हवलदार दो पोस्ट पे वैकेंसीज निकली हुई हैं दोनों ही यहाँ पे ग्रुप सी की पोस्ट हैं इसके लिए टोटल 8,326 वैकेंसीज निकली हुई हैं इसके लिए कोई भी टेंथ पास अप्लाई कर सकता है जिसने अपना टेंथ किसी भी स्ट्रीम में किसी भी ईयर में कितने भी परसेंट के साथ क्लियर किया हो टेंथ पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है विच मीन्स अगर आप एलेवेंथ में पढ़ रहे हैं ट्वेल्थ में पढ़ रहे हैं या आप पढ़ चुके हैं या अभी आप अंडर ग्रेजुएट भी हैं अपने जस्ट कॉलेज में एडमिशन लिया है तब तो भी अगर आप चाहते हैं इसके लिए अप्लाई करना आप कर सकते हैं यहाँ पे आपकी जो एज है ये क्योंकि इसमें दो पोस्ट हैं तो पोस्ट वाइज होगी अगर आप एम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 18 से 25 होनी चाहिए अगर आप हवलदार के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी एज 18 से 27 के बीच में होनी चाहिए ट्वेंटी जून को इसके फॉर्म निकले हैं थर्टी जुलाई इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है अगर आप इसमें सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी सैलरी रहेगी मिनिमम रुपीज़ पर मंथ सेकेंड जॉब वैकेंसी की बात करते हैं जो ग्रेजुएट्स के लिए है ये है एस एस सी सी जी एल देखिए एस एस सी के अलग अलग फॉर्म्स निकलते हैं टेंथ पास के लिए जो निकलते हैं वो एम टी एस होते हैं जो भी हमने डिस्कस किया ट्वेल्थ पास के लिए जो निकलते हैं वो सी एच एस एल होते हैं वैसे ही ग्रेजुएट्स के लिए जो निकलते हैं उन्हें सीजीएल यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम कहते हैं एसएससी के थ्रू अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो केंद्र सरकार की के जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज होती हैं इसमें आप काम करते हैं तो अगर आप एसएससी एमडीएस में सेलेक्ट होंगे तो आप वहाँ अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में काम करेंगे यहाँ पे भी आप सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ में काम करेंगे डिफरेंस क्या होता है जब आप टेंथ पास लेवल पे ज्वाइन करते हैं तो आप ग्रुप सी में जाते हैं जब आप सी के थ्रू जाते हैं तो आप ग्रुप ए बी सी तीनों में जा सकते हैं और सैलरी जो है वो मच हायर होती है पोस्ट भी मच हायर होती है क्योंकि एम वाली टेंथ लेवल पर है सी वाली ग्रेजुएशन लेवल पर है तो जो ये सी वाली वैकेंसीज हैं इसमें टोटल 17,727 वैकेंसीज़ निकली हुई हैं इसके फॉर्म ट्वेंटी जून को निकले हैं अप्लाई करने की लास्ट डेट ट्वेंटी जुलाई है यहाँ पे क्वालिफिकेशन में मांगा गया है कि आपने अपनी ग्रेजुएशन की हो चाहे आपने किसी भी स्ट्रीम में की है और कितने भी परसेंट के साथ किए आप अप्लाई कर सकते हैं मैन एंड वुमेन दोनों इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं एज आपकी इसमें होनी चाहिए एटीन से लेकर के थर्टी टू तक के बीच में इसके अलावा इसमें एज रिलैक्सेशन भी है सो एस सी को फाइव ईयर्स एंड ओ को थ्री ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा यहाँ पे आपके टी एयर वन एंड टीयर टू का एग्जाम होगा तो इसमें आपको दो एग्जाम्स क्लियर करने पड़ेंगे सैलरी यहाँ पे आपकी रहेगी रुपीज एटी था मंथ थर्ड जॉब वैकेंसी निकलने वाली है इंडियन एयरफोर्स इनके अग्निवीर के अंडर है अग्निवीर के लिए मैन एंड वुमेन दोनों अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे फॉर्म्स आठ जुलाई से निकलेंगे और अप्लाई करने की लास्ट डेट ट्वेंटी एथ जुलाई रहेगी इसके लिए कोई भी ट्वेल्थ पास कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है जिसने भी अपनी ट्वेल्थ क्लियर की हो अगेन ये जो अग्निवीर स्कीम है ये ऑल इंडिया की स्कीम होती है तो आप इंडिया के किसी भी स्टेट या सिटी से आते हैं आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसमें आपकी एज साढ़े सत्रह से इक्कीस के बीच में यानी सेवनटीन पॉइंट फाइव से ट्वेंटी वन के बीच में होनी चाहिए तो टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अभी इसमें अनाउंस की जाएंगी अभी इसका एक सिर्फ एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है तो जब इसका पूरा फुल नोटिफिकेशन आएगा उसमें इसके बारे में एक्स्ट्रा बताया जाएगा कि इसमें कितनी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ होंगी सैलरी यहाँ पे आपकी रहेगी रुपीज़ थर्टी थाउजेंड पर मंथ और फॉर्म की फीस जो है जो कि पहले नहीं लगती थी इस बार से इंट्रोड्यूस हुई है विच इज़ आई डोंट थिंक इट्स इट्स अ गुड थिंग Uh, क्योंकि जो भी टेंथ ट्वेल्थ पास लेवल की जॉब्स होती हैं एटलीस्ट उसमें uh, बहुत ज़्यादा फीस कभी नहीं रखनी चाहिए पर यहाँ पर फॉर्म फीस रुपीज़ है फोर्थ जॉब वैकेंसी की बात करते हैं जो बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से है जिसमें अलग अलग पोस्ट पे जैसे एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर वारंट ऑफिसर हवलदार ऐसे अलग अलग पोस्ट पे यहाँ पे जॉब निकली हुई है उसमें टोटल 1526 वैकेंसीज़ हैं इसके लिए कोई भी ट्वेल्थ पास जिसकी एज 18 से 25 के बीच में है अप्लाई कर सकता है या कर सकती है सो मैन एंड वुमेन दोनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे फॉर्म्स नाइन्थ जून से निकले हुए हैं और एटथ जुलाई इसके लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है तो जितनी भी जॉब वैकेंसीज हैं उनमें से सबसे पहले यही एक्सपायर होने वाली है अगर आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं बी के लिए तो जल्दी से जल्दी कर दे इसके लिए जो फॉर्म फीस है ये रुपीज़ हंड्रेड है तो इस तरीके की जो फॉर्म फीस है जिसमें कम फॉर्म फीस रहती है स्पेशली टेन ट्वेल्थ वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आई थिंक दैट इज़ समथिंग गुड सैलरीज में आपकी अराउंड रुपीज थर्टी टू फोर्टी थाउजेंड पर मंथ रहेगी देखिए सैलरी मैं आपको जब भी बताती हूँ मैं हमेशा जो मेरी मंथली वीडियोज़ होती हैं यानी जिसमें हम मंथ के टॉप जॉब वैकेंसीज के बारे में बात करते हैं उसमें मैं आपको हमेशा एक चीज बताती हूँ कि सैलरी आपको सिर्फ एक अंदाजा देने के लिए होती है ये प्लस माइनस फिफ्टीन ट्वेंटी परसेंट हो सकती है डिपेंड करता है आपकी पोस्टिंग कहाँ आई है अब जैसे देखिए ये बी वाले में अलग अलग स्टेनोग्राफर की पोस्ट पर है वॉरंट ऑफिसर पर है हवलदार पे है, है हवलदार में क्लर्क के पोस्ट पे है सो so, अलग अलग पोस्ट पे जो सैलरी है वो अलग अलग रहती है तो ये आपको एक रफ आइडिया देने के लिए होता है ओके नेक्स्ट जॉब वैकेंसी जो निकलने वाली है ये है इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से इसमें भी अगेन तीन पोस्ट पे वैकेंसीज आएंगी ग्रामीण डाक सेवक ब्रांच पोस्ट एंड असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर. यहाँ पे टोटल थर्टी फाइव थाउजेंड से फोर्टी थाउजेंड वेकेंसी निकल सकती हैं इसमें एज एटीन से फोर्टी मांगेंगे इसके लिए मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स दोनों अप्लाई कर सकते हैं क्वालिफिकेशन में मांगा जाएगा एनी टेंथ पास इस जॉब के बारे में दो बड़ी अच्छी चीजें हैं नंबर वन कि इसमें आप काम तो केंद्र सरकार के नीचे करते हैं यानी आप सेंट्रल गवर्नमेंट का मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जो है उसके अंडर आप आते हैं तो आप मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर काम करते हैं लेकिन आप काम करते हैं अपने ही स्टेट में रह के ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इसके बारे में वरना जो लोग सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करते हैं उनकी पोस्टिंग इंडिया में कहीं भी आ सकती है और कई बार अच्छी पोस्टिंग्स नहीं आती है लेकिन इसमें आपकी पोस्टिंग आप ही के स्टेटमेंट में इनफैक्ट आप ही की सिटी में भी आ सकती है और पूरे टाइम आप जब तक जॉब करेंगे आप वहीं पे सर्व करेंगे तो ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है सेकंड फैक्ट ये है कि आ, बाकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स हैं उनमें सैलरी काफ़ी फिक्स्ड होती है कि अगर कोई इस पोस्ट पे इस सिटी में पोस्टेड है तो उसकी सैलरी ये होगी यहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो आप कितने घंटे काम करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करती है एक और इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ ये काइंड ऑफ एक पार्ट टाइम जॉब जैसी रहती है जिसमें आपको मिनिमम फोर आवर्स काम कर करना होता है लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं अदरवाइज आप सिर्फ चार घंटे भी काम कर सकते हैं तो यहाँ पे अगर आप चार घंटे काम करते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर के पोस्ट पे काम करते हैं चार घंटे तो आपकी सैलरी महीने की होगी सत्रह हज़ार और अगर आप ग्रामीण डाक सेवक के पोस्ट पर करते हैं तो अराउंड तेरह चौदह आपकी पर मंथ सैलरी रहेगी लेकिन अगर आप उससे ज्यादा काम करते हैं तो ये सैलरी बढ़ती जाएगी तो ये सिर्फ फोर आवर्स की सैलरी है आपकी सिक्स जॉब वैकेंसी है नेशनल हाउसिंग बैंक की तरफ से जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है यानी एन इसमें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट पर वैकेंसीज निकली हुई हैं ये जो पोस्ट है ये क्लास वन ऑफिसर की पोस्ट एंड ग्रुप ए के अंडर आती है यहाँ पे आपका एक सिंगल एग्जाम होगा और उसके बाद एक इंटरव्यू होगा यानी इसमें प्री एंड मेंस नहीं होता एक सिंगल पेपर होता है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज 18 हैं इसके लिए कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है जिसके मिनिमम 60 परसेंट मार्क्स हो ग्रेजुएशन में लेकिन अगर आप एस सी से आते हैं तो मिनिमम 55 परसेंट मार्क्स में भी आप अप्लाई कर सकते हैं इसमें आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम ट्वेंटी एंड मैक्सिमम थर्टी ईयर्स जिसमें आपकी जो मंथली सैलरी है ये रहेगी रुपीज़ पर मंथ मैं आपको यहाँ पे एक बोनस जॉब uh, भी बताती हूँ यानी एक एक्स्ट्रा जॉब बता देती हूँ जिसकी अभी तक नोटिफिकेशन तो नहीं आया है लेकिन आने वाला है इसमें एक दो और ऐसी पोस्ट है जैसे अग्निवीर वाली पोस्ट है उसका भी अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है लेकिन एटलीस्ट उसका कन्फर्मेशन है कि आने वाला है तो मैंने उसको इंक्लूड कर दिया था इसका हंड्रेड मुझे कन्फर्म नहीं है इसलिए मैंने इसको बोनस जॉब में रखा यानी मैं गारंटी से नहीं कह सकती हूँ अदरवाइज मैं आपको वीडियो के बिगनिंग में कहती कि टोटल सेवन वैकेंसीज होने वाली है ओके okay, सो so, ये जो बोनस है यानी एक तरीके से जो सेवन्थ जॉब वैकेंसी है ये है रेलवे एन यानी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी रेलवे में एक तो टेक्निकल जॉब्स आती हैं जिसके लिए आपने आईटीआई आई किया हो या आपने जो अपनी ग्रेजुएशन है वो बीई या बीटेक में की हो एक वो वाली वैकेंसीज होती हैं एक होती हैं नॉन टेक्निकल उन लोगों के लिए जिन्होंने टेक्निकल काम नहीं किया है यहाँ पे टोटल फोर्टी थाउजेंड पोस्ट अराउंड एक्सपेक्टेड हैं जिसमें से ट्वेल्थ पास कैंडिडेट्स के लिए फाइव एंड ग्रेजुएट्स के लिए टेन पोस्ट एक्सपेक्टेड है इसमें एज मांगी जाएगी एटीन से थर्टी फाइव और इसके फॉर्म्स जो हैं ये जुलाई के मंथ में ही एक्सपेक्टेड है सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कॉमेंट्स में पूछ सकते हैं